नमस्कार, मृदुभाषी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की खबरों का बुलेटिन सिटी एक्सप्रेस, जिसमें हम जिक्र करते हैं मध्य प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों का। स्थानीय प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा किसान दिवस के उपलक्ष्य में ग्राम बावडल्या में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें धरती की सुंदर चैतन्य झांकी एवं रैली निकालकर किसानों को सशक्त, समृद्ध और उन्नत बनाने के लिए जैविक एवं यौगिक खेती का महत्व समझाया गया। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अब भी समझ जाना चाहिए कि घड़ियाली आंसू बहाकर प्रश्नकाल को बाधित करना सब दोहरा चरित्र है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस मुंह में राम और बगल में छुरी वाली हरकत कर रही है। ये बात इसीलिए तो कह रहे हैं कि भाई हमने अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में जो आदेश दिया था, जिसकी बात आई थी, हमको मालूम है कि जिस दिन ये कोर्ट में निर्णय किया जा रहा था, जिनकी पिटीशन पे क्या है, वो कांग्रेस के नेता थे, वो कांग्रेस के वकील वहाँ मौजूद थे। अगर उनकी पिटीशन के खिलाफ फैसला आ रहा था तो वो पिटीशन वापस ले सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया क्योंकि वो कांग्रेस का स्पष्ट दृष्टिकोण है, वो ओबीसी का भला नहीं चाहते। हमको मालूम है उसी लाइन पे वो आज भी जारी है। उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरह शिवराज सिंह चौहान की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री ने कदम बढ़ाए हैं, कांग्रेस उनका साथ देगी। और आज जो सदन में जिस ढंग से उन्होंने हंगामा करके अपने पाप धोने का प्रयास किया, इससे उनकी पोल खुल रही है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने प्रदेश की शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि प्रदेश की शिवराज सरकार मध्य प्रदेश की आम जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सवाल पूछने के समय मुख्यमंत्री गायब हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि स्पष्ट ये है कि शिवराज सरकार को जवाब देना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार के सरकार मध्य प्रदेश की आम जनता को गुमराह कर रही है और सरकार के मुखिया, प्रदेश के मुख्यमंत्री सदन में कुछ बात करते हैं, बाहर कुछ होता है और कहीं ना कहीं जब जवाब पूछो तो सदन से मुख्यमंत्री गायब हो जाते हैं। स्पष्ट है, मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। जब सदन में कह के गए थे कि 27% आरक्षण के साथ चुनाव होगा, उसके बिगैर चुनाव नहीं होगा, और इन्हीं की गलती के कारण, इन्हीं के पाप के कारण मध्य प्रदेश के चुनाव चलते जा रहे हैं। जब 2019 का परिसीमन हो चुका था, आरक्षण हो चुका था और उसी के मुताबिक अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र का चुनाव कराती तो ना तो कोर्ट इस तरह का डिसीजन देता और जानबूझ के कोर्ट में सरकार के वकील खड़े होके पिछले दरवाजे से जिस तरीके से आरक्षण को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं, वो महात्मा गांधी के पंचायती राज को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि गोडसे की विचारधारा के लोग हैं। ये वही लोग हैं जो आरएसएस और बीजेपी इस देश से आरक्षण को खत्म करने की जो साजिश रच रही है, वही एक कोशिश पिछले दरवाजे से करी जा रही है। भारतीय जनता युवा मोर्चा देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को प्रदेश भर में मनाएगा। स्वर्गीय अटल जी के जन्म दिवस 25 दिसंबर को सुशासन दिवस और 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती को युवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म दिवस होता है उसको हम युवा दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं। ये कार्यक्रम मूल रूप से युवाओं में प्रेरणा देने के लिए, जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी की प्रासंगिकता है, उन्होंने मात्र देश नहीं पूरे दुनिया के युवाओं को मार्ग दिखाने का काम किया और आध्यात्म के आधार पर युवाओं को जागृत करने का जो स्वामी विवेकानंद जी ने काम किया, इसको लेकर हम युवा दिवस का कार्यक्रम पूरे मध्य प्रदेश के जिला स्तर पर मनाएंगे, जिसमें 5 किलोमीटर लंबी मैराथन हर जिला स्तर पर जिला केंद्र में आयोजित की जाएगी। इसमें जिले के हमारे युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ता सम्मिलित होंगे, युवा मोर्चा के जो हमारे मंडल इकाइयों के कार्यकर्ता हैं वो भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में जो हमारे संगठनात्मक 57 जिले हैं, सारे के सारे 57 जिलों में हम युवा मोर्चा के माध्यम से 5 किलोमीटर लंबी मैराथन आयोजित करेंगे। नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर भगा ले जाने वाले और बलात्कार करने वाले आरोपी को सारंगपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। दिनांक 21/11/21 को फरियादी ने रिपोर्ट कराई थी कि दिनांक 20/11/21 की शाम करीब 5 बजे उसकी नाबालिग बालिका उम्र 15 साल घर से बिना बताए चली गई है। इस पर थाने पर अपराध धारा 363 IPC का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामले से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय प्रदीप शर्मा जी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय मनकामना प्रसाद जी,
SDOP महोदय सहारनपुर सुश्री जोश दास जी के कुशल मार्गदर्शन निर्देशन में सहारनपुर पुलिस द्वारा टीम बनाकर कार्रवाई की गई, साइबर सेल की मदद ली गई और नाबालिग बालिका को दूधड़ी जिला आगर से दस्तयाब किया गया। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में धारा 376 और 500 इजाफा किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश कर जेल दाखिल किया गया। इसी तरह लगातार श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल नेतृत्व में हमारी टीम कार्रवाई करती है। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।